राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कश्मीर में आतंकी फंडिंग पर अलगाववादी और हुर्रियत नेताओं पर नए सिरे से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने इनके पूछताछ के लिए एक बार फिर से दिल्ली बुलाया है। जिन अलगाववादियों और हुर्रियत नेताओं को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है उन्हें अल्ताफ पंटूश, बिट्टा कराटे, गाजी जावेद, बाबा नईम खान, मोहराजुद्दीन और अयाज अकबर शामिल है। इन्हें पहले भी दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। इससे पहले अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी के तहरीक हुर्रियत पार्टी के तीन नेताओं को एनआईए की टीम ने श्रीनगर में गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार किए गए हुर्रियत नेताओं में गिलानी का पीआरओ अयाज अकबर, दामाद अल्ताफ पंटूश और कलवल शामिल है। एनआईए ने इसी महीने तीनों अलगाववादी नेताओं के घर छापेमारी की थी। तहरीक हुर्रियत ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दिया। हालांकि गिलानी के करीबियों की गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया है। कश्मीर में पत्थरबाजी और अशांति के लिए पाकिस्तानी फंडिंग का खुलासा होने के बाद अलगाववादी नेता पाकिस्तान से पैसे लेकर घाटी में माहौल खराब करने की बात कबूलते दिखे थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने एनआईए को इसकी जांच सौंप दी थी।